विशेष में आज हम चर्चा करेंगे मिशन 24 को लेकर झारखंड की 14 सीटों पर किस तरह से महागठबंधन के नेताओं में बैठक हुई, मंथन हुई और मंथन के बाद क्या कुछ फलाफल बाहर निकला। जी हां, आज दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की मिशन 24 को लेकर बैठक हुई और बैठक में जो मुख्य मुद्दा जो लगातार अमूमन आता आया है, होता आया है कि सीट शेयरिंग कैसे, क्या फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पर सीट शेयरिंग रखा जाएगा, इस पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। इस बैठक में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बात करें तो चंपई सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद पांडे, इसके अलावा अगर कांग्रेस से बात करें तो झारखंड पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मुकुल वासनिक सहित कई नेता, अशोक गहलोत, ये सभी बैठक में शामिल हुए। और एक एजेंडे के तहत, क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2019 के, उस समय भी महागठबंधन था, लेकिन महागठबंधन रहने के बावजूद 14 लोकसभा सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही महागठबंधन की जीत हुई थी, वो राजमहल और चाईबासा। इसके अलावा गुरुजी जो सबसे बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो भी पिछले लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से हार गए थे। जाहिर तौर पर है कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए कि इस बार उस तरह की सीन सामने ना आए, और इसी को लेकर बैठक हुई। अगर आप देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोटे में 9 सीटें गई थी, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने 2 सीटों को, जब बाद में झारखंड विकास मोर्चा यानी JVM बाबूलाल मरांडी की उस समय की पार्टी थी उसके साथ गठबंधन होता है, तो कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 सीटें गोड्डा और कोडरमा वो JVM के खाते में डाली थी, लेकिन बावजूद इसके परिणाम आए कि 2 सीटों पर ही महागठबंधन की जीत हो पाई थी। और इस बार अगर हम बात करें कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की, तो उन्होंने जो Live7 के साथ बातचीत में, फोन लाइन पर बातचीत में जो दावा किया कि इस बार हम 14 की 14 सीटें जीतने जा रहे हैं, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है, और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी। जो सबसे अहम विषय है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी। हमारे साथ इस विशेष में जुड़े हुए हमारे संवाददाता कमल, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। कमल, बैठक में क्या क्या चीजें बातें हुई और किन विषयों पर जो है, माफ कीजिएगा, अभी हम थोड़ा एक और जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इस बैठक को लेकर के, कल ही दिल्ली रवाना हुए थे, यहाँ से लोग रवाना हुए थे, नेता जो थे झारखंड के नेता थे वो रवाना हुए थे, और इसके बाद जो है जिस तरह से इस विषय पर चर्चाएं हुई, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो चर्चा होती है उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कि आम सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, जिस तरह से कि आलमगीर आलम ने बताया कि वो मामले जो सीट शेयरिंग के हैं उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत हुई है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, तो इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे जो 10 दिनों के भीतर उन्होंने दावा किया है कि सीट शेयरिंग पर का फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्या कुछ होता है। इस खबर पर लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता कमल ने नज़र बनाए रखी थी। कमल, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी कमल, बताएं मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पर चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें सबसे अहम बात ये रही कि इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ही नेता प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं सबसे पहले जो INDI की जो बैठक, जो गठबंधन है, उसके सभी दल वहाँ नज़र नहीं आए, तो साफ तौर पे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो गठबंधन है इंडिया की, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ही नज़र आई। अगर बात करें बैठक में, तो चंपई सोरेन जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो मौजूद थे, विनोद पांडे, उसके अलावा विनोद पांडे जो महासचिव हैं, और सुप्रियो भट्टाचार्य हैं,
वो मौजूद थे। उसके अलावा जो जेएमएम के विधायक सुदीव्य सोनू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत और लोग थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के तहत जदयू है या वामदल है या आरजेडी है वो नज़र नहीं आया है। तो एक इससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन के तहत जो चर्चाएँ होनी थी लोकसभा सीट को लेकर के, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के सभी लोग नहीं थे। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में 9-4-1 का फॉर्मूला था, जिसमें 9 सीट कांग्रेस को थी जबकि 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 आरजेडी को थी। अब यहां पर जो बातें सामने आ रही है कि एक बार फिर से महागठबंधन जो इंडिया के तहत जो झारखंड के लोकसभा सीट को लेकर के बंटवारा होना है, उसमें एक बार फिर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है। अंदर खाने से जो खबर है कि 9 और 5 का फॉर्मूला रहेगा, हो सकता है आरजेडी को भी इस बार सीट ना मिले, क्योंकि पिछले बार आरजेडी को पलामू और चतरा से चुनाव लड़ी थी, पलामू से सीट था जबकि चतरा में भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था। वहीं अब इस बार देखना यह है कि 9-5 के फॉर्मूले पर ये गठबंधन के तहत बंटवारा होता है इंडिया गठबंधन के तहत, या फिर वाम दल जदयू और आरजेडी की तरफ से भी सीट की डिमांड की जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये बैठक हुई है, इसमें इंडिया गठबंधन दल के और लोग नज़र नहीं आए। ऐसे में अब 10 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो तय होने की बात कही जा रही है। हालांकि इससे पहले भी और राज्यों को लेकर के जो सीट बंटवारे को लेकर के बैठकें हुई उसमें भी पेच फंसा था। अब देखना यह है कि झारखंड के जो लोकसभा सीट हैं उसको लेकर के क्या कुछ पेच फंसते हैं। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें, पिछले फॉर्मूले की बात करें लोकसभा सीट को लेकर के, तो पिछले बार कांग्रेस ने हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और धनबाद में अपना कैंडिडेट रखा था, उन्हें 9 सीट मिले थे, जिसमें 2 सीट कोडरमा गोड्डा था जो पहले झारखंड विकास मोर्चा जो पार्टी थी उसके तहत ही वो गठबंधन में थी। तो वो दोनों सीट भी अब कांग्रेस उस पर दावा कर रही है। तो 9 सीट कांग्रेस के इस बार भी हो सकते हैं पिछले चुनाव की तरह, पिछले जो चुनाव हुए थे उसके फॉर्मूले की तरह। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर, दुमका, राजमहल और गिरिडीह में उनके कैंडिडेट थे, और आरजेडी के पलामू में जबकि चतरा में भी आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन के तहत और भी जो दल होंगे, घटक दल होंगे, उनके द्वारा क्या कुछ डिमांड रखे जाते हैं। लेकिन अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, अंदर खाने से जो खबर है, दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं जिसमें ये छन कर आया है सामने कि 9-5 का फॉर्मूला होगा, 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 5 सीट जाएगी। हालांकि आरजेडी, जदयू, वामदल और अन्य जो दल हैं उनकी तरफ से क्या कुछ डिमांड्स होते हैं उसको लेकर 10 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। जी अंदर जिस तरह से बातें हो रही है कि 10 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार भी आने वाले हैं झारखंड दौरे पर, और जोहार झारखंड की यात्रा, जोहार नीतीश की यात्रा वो निकालने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन के लिए क्या उचित होगा, क्योंकि आज ही जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें ये बातें सामने आई कि अन्य दल नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया है। अब नीतीश की जो यात्रा होने जा रही है, संभवतः 22 तारीख या 21 तारीख से झारखंड में होने जा रही है, उसको लेकर के क्या देख रहे हैं और महागठबंधन में इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें, जिस तरह से अब तक जो सूचनाएं मिली हैं कि 9-5 का फॉर्मूला होगा, और ऐसे में नीतीश कुमार जो झारखंड से यात्रा करेंगे, अगर वो भी इंडिया गठबंधन में हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी झारखंड में सीट का दावा कर सकते हैं। हालांकि ये तय होगा जब आपसी मंथन होगा। अभी फिलहाल दिल्ली में जो आपसी मंथन हुई है उसमें 9-5 का फॉर्मूला हुआ है, लेकिन झारखंड में अगर नीतीश कुमार आते हैं और वो रैली करते हैं, वो यात्रा करते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के तहत, उस दल गठबंधन में रहने के तहत वो भी सीट का दावा करेंगे। आरजेडी की तरफ से भी दावा होगा, क्योंकि आरजेडी पिछले जो चुनाव थे उसमें उन्होंने, उनको 1 सीट मिला था पलामू का, चतरा में भी उन्होंने रोकेंगे। अभी हमारे साथ अभी जो है सो हम आपको पहले बता दें कि आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम जो हैं सो
बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, 14 की 14 सीटों पर जीतेंगे। तो ये कमल, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि उनका जो दावा है, वो जो दावा कर रहे हैं, उस दावे पर क्या जो सीन बन रहे, क्योंकि पिछले मरतबा भी 14 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट लड़े थे, सब मिल के लड़े थे। उस समय तो झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी उस समय शामिल थे। बावजूद इसके हाथ क्या आया था ये आपको भी पता है, मात्र 2 सीटें जीती थी। अगर आप देखें गीता कोड़ा की सीट, तो वो कांग्रेस नहीं, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा वो सीट निकाली थी। हाँ, राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट निकाली थी। तो इनके दावे में कितना दम लगता है आपको कमल? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार अभी जब तक पूरी तरह से ये क्लियर नहीं होता है कि किसके खाते में क्या जाता है, कि किनके जो फार्मूला है, जो फाइनल फार्मूला कैसे तय होता है, ये किसके खाते में कौन सी सीट जाती है, ये जब तक तय नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन पिछले बार जो चुनाव हुए उसमें सिर्फ 2 सीटों पर जो गठबंधन के तहत जीत हासिल की गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरे देश में जोर लगा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कमल आपको हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमवीर आलम साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है लाइव 7 पर। जी सर, आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक में क्या क्या बातें हुई और किस रणनीति पर, जो मिशन 24 को लेकर रणनीति बना रहे हैं, उसमें क्या कुछ हुई है सर? आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम लोग का जो मीटिंग हुई, सकारात्मक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में ज्यादा बल दिया गया है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव इस बार लड़ रहे हैं जी, कहां हम मजबूत हैं वही पर, उस सीट कहां पर मजबूत है, कहां हम कमजोर है, वो सारी चीजों पे बात को रखा गया है। और एक बात ये स्पष्ट ये हुआ कि मजबूत और कमजोर एक दूसरे के पूरक के रूप में हम काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत हर आदमी का ड्यूटी रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम अपना उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा हम जिताए जी, और उसी परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। और निश्चित तौर पर अगले हफ्ता या 10 दिन के अंदर फिर एक मीटिंग, तो औपचारिक एक मीटिंग होगी जी, और उसमें सारी सीट घोषणा कर दी जाएगी। सर, एक एक चीज जो सामने आई थी जब INDIA गठबंधन का निर्माण हुआ और उसके बाद जो बातें चल रही थी कि जिस सीट पर जो कैंडिडेट मजबूत होगा उसके ऊपर दावा खेलेंगे, दल वो दल में भी उलटफेर कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी कांग्रेस के किसी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई कैंडिडेट है तो वो कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ सकता है, इस विषय पर भी कोई बात हुई थी? नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बात यही है कि हम जो है दम और कम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के तहत जी, और आज का जो वातावरण जिस इस पर बात हुई है वो रिगार्डिंग हुआ कि हम कहाँ मजबूत है, हम कहाँ कमजोर है, और इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सीट कैसे करके हम जीत कर आए, उस पर ज्यादा विचार विमर्श हुई। सर, एक सवाल उठ रहा है कि पिछले मरतबा 19 का भी चुनाव आप लोगों ने महागठबंधन के तहत लड़ा था, उस समय बाबूलाल मरांडी भी आपके साथ थे, इस बार बाबूलाल मरांडी आपके साथ नहीं है, तो उस समय जब साथ मिलकर लड़े तो 2 सीटें आई थी, इस बार कैसे आकलन कर रहे हैं कि 14 की 14 सीटों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके पीछे जो मंथन है वो क्या है सर? देखिए, आप देखे होंगे कि झारखंड बनने के बाद 2004 का रिजल्ट को आप देख लीजिए जी, वही गठबंधन में लड़े थे हम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी, और हम लोग ने 12-13 सीट लाए थे जी, याद होगा जी, बिल्कुल, तो क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन का मिशन वही है कि हम अपना रिजल्ट जो है 2004 के अनुरूप ही दोहराए, और इसको दोहराने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी शरीक दल है और सभी का अपना अपना जगह संगठन है, सब संगठन एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अच्छा परिणाम देंगे, और हमारी जो है मिशन है कि 2004 झारखंड बनने के बाद जो हम लोग चुनाव लड़े थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मिलकर जो चुनाव लड़े थे, उस चुनाव का परिणाम इस बार लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। लोगों के मन में जनता के बीच से एक सवाल आया था सर, वो मैं पूछ लूं आपसे। बोलिए। जनता के बीच से सवाल ये आया जब हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई तो बोला गया कि ये महागठबंधन है या कांग्रेस और झामुमो है? नहीं, ये जो है आज तो देखिए, आप देखे होंगे कि आज ये जो महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग हुई जी, और
और इस चीज को भर कर आया नीतीश जी की तरफ से जी। गठबंधन के तमाम दल अपना अपना युगो अपना अपना ये छोड़कर एकजुट होकर और खुला मन से जी। हमारा एक जो चुनौती है लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो हम चुनौती जो हमारे सामने है उसको बरकरार रखने के लिए हमारा मिशन वही है कि हम उदार भावना के साथ एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे और हम लोग का चुनाव का जो परिणाम हमारे पक्ष में होगी। तो सभी लोग तो सर नीतीश जी को संयोजक बनाना चाह रहे थे, आखिर उन्होंने इनकार क्यों कर दिया? लेकिन उनका बड़ापन है, आज उनका बड़ापन है, हम तो कहेंगे बड़ापन है, इसलिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को एस्टेब्लिश करने के लिए उनका सहयोग जो है वो सबसे अधिक रहा, उसके लिए उनको धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे। और बड़ापन तो हम बोलते हैं कि सभी पार्टी अपना अपना बड़ापन दिखाने के काम कर रहे हैं और सद्भावना के साथ बड़ापन दिखाते हुए हम अपना काम करेंगे। कौन सीट किसके पास जाएगा नहीं जाएगा वो आने वाले समय हमारा आलाकमान तय करेंगे, लेकिन हम लोग आज जो जिस वातावरण पर हमारा बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है, कोई सीट और कोई ये लेकर हम लोग का उतना ज्यादा खिंचातानी कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी दल जो भी और भी दूसरे राज्य का है सब एकजुट होकर मन बना लिया है कि हम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमें आगे बढ़कर काम करना होगा। 21 तारीख से नीतीश जी का भी जोहार नीतीश यात्रा शुरू हो रहा है सर झारखंड में, उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा या जदयू को मिलेगा? हमारा गठबंधन का जो भी है, हमने कहा कि हम 14 सीट में है, इसका जहां पर संगठन है एक दूसरे के पूरक के रूप में हम काम करेंगे, जो वहां पर कमी है उसको हम दूर करके उसको आगे बढ़ाएंगे, जहां हमारा कमी है वो हमको सहयोग करके हम आगे बढ़ाने के काम करेंगे। इसलिए हम लोग साफ खालिस मन से हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत जो गठबंधन किया है उस गठबंधन को एक परिणाम देने के हम लोग काम दिशा परिणाम देने के काम करेंगे। एज ए वरिष्ठ नेता, एज ए ग्रामीण विकास मंत्री, एज ए CLP लीडर, क्या आलमगीर आलम जी का यह दावा है कि इस बार 14 हमारी झोली में होगी? निश्चित तौर पर हम आशा में ही आशा तो सबको ही रखते हैं कि सारी सीट हम जीत जाए, परिणाम तो 2024 में होगा, लेकिन हमारा मोटो है कि 2004 जो हम जो करिश्मा किए थे आज फिर हम 2024 में 2004 की जगह 2024 में फिर वही करिश्मा हम लोग करना चाहते हैं। राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर हो रहा है सर? देखिए वो आने वाले समय ही बताएगा। जी बस इतना ही कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि उम्मीद है कि इस बार 14 की 14 सीटें निकालें। 2004 में जो परिणाम आए थे झारखंड में, सही मायने में 2004 का परिणाम काफी सुखद था। 13 सीटें जो गठबंधन बने थे वो जीत के ले गई थी, एक सिर्फ बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट से जीत पाए थे। तो जाहिर तौर पर उनकी दावेदारी है और उनका ये कहना है कि इस बार जो है सो हम उसी इतिहास को दोहराएंगे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर मुद्दा कितना चुनावी परिणाम को इफेक्ट करेगा वो आने वाला समय बताएगा। ये सही बात है, उनका जो राजनीतिक गणित है उसके हिसाब से उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे पर ज्यादा ना कुछ कहके उन्होंने ये कहा कि ये मुद्दा जो है राम मंदिर का मुद्दा है वो आने वाले समय में बताएगा कि 24 में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे साथ कमल जुड़े हुए हैं। कमल, आपने भी देखा कि उन्होंने दावा किया है कि 14 सीटें जीतेंगे, आप बताइए, चूंकि कांग्रेस बीट लंबे समय से आप देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से आपके आपसे मिलना जुलना होता है, उनका खबरों के कवरेज में जब आ जाते हैं, तो जो ये दावेदारी की जा रही है क्या वो लगता है कि 4-4 का इतिहास 24 में दोहराया जा सकता है? देखिए जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं सभी पार्टियां और जो फॉर्मूला तय होगा, और इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है जो 14 लोकसभा सीट को टच करती हुई निकलेगी, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा गठबंधन को मिल सकता है। और लगातार इस बार जो तैयारी है 2004 के परिणाम को फिर से लाने के लिए ये जोर लगाया जा रहा है, और गठबंधन दल के जो यहाँ खास करके कांग्रेस JMM है वो 14 सीटों पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं खास करके। यह वजह यह है कि उनका ये मानना है कि गठबंधन दल के जो भी सीट शेयरिंग में जिसके हिस्से में जो सीट जाएगी उसको मदद पहुँचाएगी। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट में जो सीट जाती है उनके लोकसभा क्षेत्र की, तो उसमें कांग्रेस भी मदद करेगी और कांग्रेस के सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, और
इसमें सबसे अहम इस बार ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ था और कर्नाटक और तेलंगाना में उनकी जो चुनावी परिणाम आए, तो लोकसभा को लेकर के झारखंड में भी 14 लोकसभा सीट जो क्षेत्र पड़ रहे हैं वहां से गुजरेगी यात्रा और इसका इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल कमल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश जी स्वागत है आपका लाइव 7 पर। धन्यवाद राजेश जी। आप देखे होंगे आज इंडिया गठबंधन तो नहीं कहेंगे, सिर्फ दो ही दल थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उसकी बैठक दिल्ली में हुई है झारखंड की सीट शेयरिंग को लेकर के। और जिस तरह से आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी, उन्होंने दावा किया है लाइव 7 पर और फोन लाइन पर बात करते हुए कि वो 14 की 14 सीटें जीतेंगे, 2004 के इतिहास को दोहराएंगे। आप पूरे राजनीतिक समीकरण को झारखंड के बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्या इस दावेदारी में कितना दम आपको दिख रहा है? देखिए, इन लोगों के जो 4 वर्ष के जो कार्यकाल रहे हैं झारखंड में जी। और इन लोगों ने जो जमीनी स्तर पर जो काम किया है, जो इन लोगों को लगता है कि हमने जो जमीनी स्तर पर काम किया है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा, खास करके जो आदिवासी बहुल इलाकों में लेकर के डेवलपमेंट के काम को लेकर के, चूंकि आधार वो उसी को मान रहे हैं और इन्हें लगता है कि वो जो हमारे ग्रामीण इलाका में जो वोटर को वो जो काम के आधार पर उनको वोट मिलेगा, और शहरी क्षेत्र में जहां बीजेपी का दबदबा है वहां पर इन्हें लगता है कि जो राहुल जी का जो न्याय यात्रा चलेगा जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे इसको फायदा होने वाला है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला करके इन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि ये अपर हैंड रहेंगे और इस बार भाजपा को ये मात देंगे और 14 सीटों पर ये काबिज होंगे, ये इन लोगों की अपनी एक सोच है जी। लेकिन राजेश जी आप याद कीजिए कि 2004 के बाद 2009 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी UPA2 की गवर्नमेंट बनी थी केंद्र में, लेकिन झारखंड में जो गठबंधन थे वो पूरी तरह से बिखर गए थे। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन की सरकार थी, तब 14 में चुनाव हुए थे, तो चलिए उस समय मान लेते हैं कि मोदी की लहर थी, पूरे देश में लहर थी, तो उस लहर में सभी पिट गए। लेकिन 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन हुआ था और उस समय बाबूलाल मरांडी जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उस समय जो है झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर कोडरमा से चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हारे थे। प्रदीप यादव जो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से गोड्डा से चुनाव लड़े थे वो हारे थे। तो ऐसी स्थिति में ये दावेदारी करना कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे इस बार झारखंड में, ये कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं लगती? देखिए, ये चूंकि ये लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में कभी भी जो है कि अपने आप को कमजोर नहीं आंका जाता है, हमेशा ये कहेंगे ही कि भाई हम 14 सीट जीत रहे हैं, हमारे हम मजबूत स्थिति में है, ये तो इनकी मजबूरी है। लेकिन वास्तविकता जो है वो हम सब आप भी चीजों को समझ रहे हैं, आज भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है कि उसमें मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन को काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग उसके मुद्दे पर लड़े जाते हैं, विषयों पर लड़े जाते हैं। हाँ, अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जहां तक स्थिति है, लोकसभा की स्थिति है, उसमें इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं पीछे मतलब नजर आती है और पीछे रहती है, उसकी कई वजह है। और उसमें चूंकि अब दावे हैं तो ये दावा तो कर रहे हैं और वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि हमने जो 4 वर्ष जो हम लोगों की सत्ता रही, हम लोग शासन किए, हम लोगों ने जो काम किए उस काम के आधार पर हमें लोकसभा में यहाँ की जनता वोट करेगी और उसमें उसके उसकी वजह से हमें सफलता मिलेगी। राजेश जी बगल के राज्य का इतिहास देखते हैं, छत्तीसगढ़ का, बहुत विकास के कार्य हुए थे, बहुत बोले जा रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार हिल नहीं सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि बुरी तरह से धराशायी होगी वो सरकार। और इससे पहले अगर हम झारखंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रघुवर दास के समय कहा जा रहा था, रघुवर दास की सरकार के समय तो विकास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जब सत्ता आने की बात हुई तो वो भी सरकार गिर गई, वो खुद चुनाव हार गए। अभी जो सीन बन रहे हैं,
उस सीन में जब पिछले चुनाव में आप याद कीजिए कि गुरुजी जैसे कद्दावर नेता अगर चुनाव हार जाते हैं, वो भी वैसे नेता से जिसके जिसका कद उनके सामने कहीं से पसगा भी नहीं है, जो उनको सुनील सोरेन जो चुनाव हराए थे पिछले लोकसभा चुनाव में। तो क्या लगता है जो आलमगीर आलम ने कहा अभी कि राम मंदिर मुद्दा होगा या नहीं होगा, ये तो परिणाम ही बताएगा। आपको क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कितना हावी होने जा रहा है? नहीं, वो उसका तो असर रहेगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि कई मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं और मुद्दे जो सरकार के कामकाज और इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे नजदीक आता है चुनाव, आप भी जानते हैं कि चीजें बहुत तेजी से बदलती है, समीकरण बदलता है, जातिगत समीकरण भी सामने आती है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिमांड्स रहते हैं छोटे छोटे लोकल स्तर पर, जिसको लेकर के आप पिछले विधानसभा ये सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या फिर जो एक संगठन है, उस संगठन के जो डिमांड्स हैं, वो भी बहुत सारे जो है वो चुनाव के समय में वो मुद्दे बन जाते हैं। तो अलग अलग समीकरण, नए नए समीकरण पैदा होते हैं, नई स्थितियां पैदा होती है, और उसके बाद फिर चुनाव के बहुत निकट आते समय तक में वो चीजें जो है बहुत कुछ बदल जाती है। लेकिन जहां तक ये अयोध्या का मामला है, बीजेपी इसमें खासकर यहाँ का जो ट्रेंड है झारखंड का, वो शहरी क्षेत्र में बिल्कुल अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल अलग है। और इसलिए आप देखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर बीजेपी विजयी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जेएमएम और कांग्रेस का दबदबा रहता है। तो यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति है। शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी आप देख रहे हैं कि वो पहले से अपर हैंड है, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ बीजेपी के, वो ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा दौरा कर रहे हैं, लोकल मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्राइबल्स के मुद्दों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल के सीटों पर, विधानसभा के सीटों पर खास करके, उसमें बहुत ही बुरी तरह से भाजपा परास्त हुई थी, इसलिए उनका फोकस जो है ट्राइबल मुद्दों पर है, ट्राइबल सीटों पर है। तो वैसे स्थिति में बीजेपी अभी फिलहाल दिख रही है संगठनात्मक तौर पर कि वो अपनी रणनीति की ओर बढ़ रही है, जबकि अभी ये लोग बैठक ही कर रहे हैं और सीट बंटवारा पर ये है, आगे किस तरह से किस रणनीति के तहत बीजेपी को परास्त करना है उस पर अभी फिलहाल ईडी गठबंधन को लेकर के कोई बैठक नहीं हुई है और ना इस पर कोई विचार विमर्श हुआ है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिनों के भीतर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी हम लोगों में तय हो जाएगा। सवाल इसलिए उठते हैं कि गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, वाम मोर्चा, जेएमएम सभी का हुआ है, बैठक में शामिल होते हैं जेएमएम और कांग्रेस, ये सवाल उठते हैं इसलिए कि झारखंड में अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, आरजेडी को मात्र एक सीटें मिली थी। तो ऐसे में अभी से, और उसके बाद आरजेडी ने जिस तरह से 4 सीटों की दावेदारी कर रखी है, ये भी सवाल उठेंगे बाद में। नीतीश जी की पार्टी भी सीट की दावेदारी कर रही है, हालांकि बहुत बड़प्पन दिखाया नीतीश जी, संयोजक नहीं बने, किस वजह से नहीं बने वो नीतीश जी समझते होंगे, और आलमगीर आलम साहब ने भी बहुत तारीफ की उनकी, लेकिन नीतीश की जो यात्रा पार्टी को लेकर हो रही है, जोहार नीतीश यात्रा के तहत जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वो क्या गुल खिलाता है झारखंड में, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पिछले एक दशक से नीतीश 0/0 है झारखंड में, उनके पास कोई सीट नहीं है, ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में। हालांकि इस बार उपकार किया नीतीश जी ने, खीरू महतो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनको बिहार से राज्यसभा भेज दिया। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि 10 दिनों के भीतर कौन सा फार्मूला तय होता है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के बीच में, और किस तरह से भाजपा के मिशन 24 के जो रथ चल रहे हैं राम रथ, उस राम रथ को रोकने में ये कितना सफल होते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।